जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आशीष आईटीआई यूट्यूब चैनल में। देखिए बच्चों, इंतजार का घड़ी खत्म हो गया, फोर्थ राउंड का जो है कि रैंक जो है कि आ गया है। देखिए बच्चों, आप जो है कि बस दो मिनट में जो है कि आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से कि आपका जो है कि रैंक कितना है, आपका जो है कि सलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फोर्थ राउंड में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको जो है कि कॉलेज पे जाना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, सारा डाउट जो है कि आपका क्लियर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए आईटीआई संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो अपने ब्राउजर में आएंगे और ब्राउजर में आने के बाद जो है कि सर्च करेंगे scbt.gov.in। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बता दे रहे हैं कि रैंक जो है कि कैसे चेक करें, फिर उसके बाद जो है कि बताएंगे कि जो है कि आगे का प्रोसेस कि आपको जो है कि कैसे जो है कि आपका जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो देखिए बच्चों, वीडियो को जो है कि पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप जब जो है कि सर्च करेंगे scbt.gov.in तो ऐसा जो है कि पेज ओपन होगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है कि देखिए, फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, भारत के राज्य सरकार विभाग, इस पे जो है कि ओके करेंगे। फिर आपका जो है कि देखिए, ऐसा जो है कि पेज जो है कि ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है कि फर्स्ट नंबर पे जो है कि लिखा हुआ है, चौथे चरण में निजी आईटीआई के लिए नवीन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन अंतिम तिथि, यानी 19 तारीख में जो है कि आपका आखिरी जो है कि लास्ट डेट है निजी आईटीआई में जो है कि एडमिशन कराने का, ठीक। फिर उसके बाद जो है कि नीचे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चौथे चरण हेतु रैंक देखें। देखिए यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है चौथे चरण हेतु रैंक देखें, इसी पर जो है कि ओके करना है। फिर आपका जो है कि ऐसा पेज जो है कि ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूर्व पंजीकरण अभ्यर्थी की रैंक और नवीन आवेदनकर्ता की रैंक, यानी जो नया है, जो नए जो है कि फॉर्म अप्लाई किए हैं वहाँ पे जो है कि इस पर टिक मारेंगे, और जो बच्चे जो है कि पुराने जो है कि रजिस्ट्रेशन किए हैं वो इस पर। फिर आपका जो है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और फिर जो है कि सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो है कि रैंक ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आपको जो है कि जो आपके जिला में जो है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा वहीं पे जो है कि आपको जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे जिला का भरे हैं तो वहाँ पर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस जिला में रहेंगे उसी जिला में जो है कि आपको जो है कि जाना है, और जाके जो है कि प्रिंट आउट जो है कि जमा कर दीजिए, और उसके साथ जो है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और फोटो जो है कि अपना लेके जाइएगा। सारा डॉक्यूमेंट जो है कि आप जो है कि लेके जाइएगा, A to Z जितना डॉक्यूमेंट है आपका, सब चीज़ जो है कि आप लेके जो है कि गवर्नमेंट आईटीआई में जो है कि अपने जिला का जो है कि जो मेन ब्रांच होगा वहीं पे आपको जाना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए।